दोस्तों स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों ड्रीम इलेवन पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का आपको लॉजिक समझ में आ गया तो भाई इस लॉजिक से आप ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देंगे कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन हर मैचों में चलेंगे, कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। भाई लॉजिक आप कैसे समझ पाएंगे, तो बहुत ही मैं सरल तरीके से इसी वीडियो में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सही लॉजिक बताऊंगा। ऐसे ही आपको लिख लिख करके एकदम जो है कि ऐसे बताऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो भाई पूरा लॉजिक जानने के लिए, एक नंबर रैंक आने के लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा, तभी जा करके आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा कैसे बनाना है कैप्टन और कैसे बनाना है वाइस कैप्टन और कैसे प्लेयर को लेना है। तो भाई हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, और वीडियो को थोड़ा भी हल्के में मत लेना, अपना पूरा दिमाग इस वीडियो पे ठोक देना। भाई मैं बताऊंगा कि आपको चार सेक्शन से प्लेयर लेना होता है। तो आप लोग देख रहे हैं विकेट कीपर सेक्शन, बैटर सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन। भाई मैं बताऊंगा टाइप वन और टाइप टू यानी कि बैटिंग पिच, जहाँ बैटिंग पिच है वहाँ पर आपको दो तरह की टीम लगाने हैं, टाइप वन टाइप टू। तो टाइप वन टाइप टू कैसे लगाना है, तो आपको विकेट कीपर सेक्शन से एक प्लेयर लेना है, बैटर से छः प्लेयर और ऑलराउंडर से एक प्लेयर, बॉलर से तीन प्लेयर लेना है, प्लेयर बैटिंग पिच है तो। और टाइप टू, टाइप टू में क्या लेना है आपको, आपको लेना है एक विकेट कीपर और पांच बैटर और दो ऑलराउंडर लेना है, तीन बॉलर। भाई इतना आपको लेना है। और जहाँ पर बाइलेंस पिच है तो मैं बता दे रहा हूँ टाइप थ्री और टाइप फोर। भाई आपको कैसे प्लेयर को लेना है, भाई आपको जो है कि विकेट कीपर सेक्शन से एक लेना है, बैटर सेक्शन से चार लेना है, ऑलराउंडर सेक्शन से दो लेना है और बॉलर सेक्शन से चार लेना है। और भाई मैं बताऊंगा जो है कि टाइप फोर, भाई जो है कि आपको विकेट कीपर सेक्शन से एक लेना है और बैटर सेक्शन से तीन लेना है और ऑलराउंडर सेक्शन से तीन लेना है और बॉलर सेक्शन से चार लेना है। और भाई मैं बताऊंगा यह बैलेंस पिच का हो गया और बैटिंग पिच का हो गया। भाई मैं बताऊंगा बॉलिंग यानी कि बॉलिंग पिच है तो आपको कैसे लेना है, तो भाई मैं बताऊंगा टाइप फाइव और टाइप आपको सिक्स। भाई आपको टाइप फाइव में लेना है वो एक जो है कि विकेट कीपर और तीन बैटर और दो ऑलराउंडर और पांच बॉलर। और भाई मैं बताऊंगा टाइप सिक्स, भाई एक जो है कि लेना है आपको विकेट कीपर और तीन बैटर, एक ऑलराउंडर और छः जो है कि बॉलर। ऐसे करके आप जो है कि टीम लगाएंगे तब जा करके रैंक आ सकते हैं वन। तो भाई अभी भी हमारे वीडियो में बने रहें और भी एक शानदार मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, कैसे प्लेयर को चुनना। दोस्तों पहले यह आपको देना होगा ध्यान, कई तरह के मैच होते हैं भाई, आईपीएल होता है, ओडीआई होता है, टी20 होता है, टी10 होता है, तो कौन से मैच में आप पैसा लगाना चाहते हैं भाई, उस जो है कि मैच के हिसाब से आपको प्लेयर चुनना है। यानी कि इसमें जीएल ग्रैंडलिंग होता है, जो है कि मिनी जो है कि जीएल होता है, भाई यह समझना पड़ता है भाई, यह बैटिंग पिच है या बाइलेंस पिच है या बॉलिंग पिच है, यह जब समझ जाते हैं भाई आप एक नंबर पे आ सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। मैं 90% गारंटी लेता हूं कि यह मैं जो है कि समझा रहा हूं ऐसे समझ गए भाई, आप रैंक वन पे आ सकते हैं। भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है मैं वो भी आपको बता रहा हूं, हमारी वीडियो में बने रहें। तो भाई लोग आप लोग टीम बनाते समय भाई एक छोटी सी गलतियाँ कर देते हैं क्या, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में दो टीम का नाम रखा हूँ, टीम एक्स और टीम वाई। तो भाई आपको कैसे लगाना है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि टीम एक्स वाले ओपनर बैटर को आप ले लेते हैं कैप्टन बना देते हैं और टीम वाई वाले बॉलर को आप जो है कि वाइस कैप्टन बना देते हैं और दोनों ओपनर हैं, भाई दोनों ओपनर हैं भाई, हो सकता है जो या आप बना देते हैं जो बॉलर है तेथ में फेंकता है, भाई तेथ में भी फेंकता है तो भाई धीरे धीरे जो है कि बैटर अपना जो है कि रन बनाता है तो भाई इसको आउट कर सकता है। भाई आपको कैसे बनाना है, भाई जो है कि सबसे लास्ट में बॉलिंग करता है उस जो है कि बॉलर को आपको बनाना है, ये गलती नहीं करना है कोई, ये जो है कि ओपनर बॉलर है और ओपनर बैटर को बना देते हैं अपोजिट वाले को, भाई ऐसे में आपका जो है कि कैप्टन फ्लॉप हो सकता है। और भाई आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, आपको जो भी देखना है और जो पिच बैलेंस है तो उसमें भाई आप जो है कि बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ऑलराउंडर को बना सकते हैं, और बैटर है यानी कि बैटिंग पिच है भाई बैटर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। यानी कि सिलेक्शन परसेंट कैसे लेना है, भाई सिलेक्शन परसेंट 20% जिसका है, 30% है, 50% उनको बना सकते हैं, नहीं तो आपको और जो 20% वाले जो है कि बैटर को कैप्टन बनाए हैं
तो आप 5% वाले को वाइस कैप्टन बनाते हैं, और नहीं तो जिसका 5% कैप्टन बनाए हैं लोगों ने तो उसे 5% वाले को कैप्टन बना देते हैं, तो आपको 50% वालों को वाइस कैप्टन बनाना है। यानी कि एक का कम जो है कि सिलेक्शन होना चाहिए और एक का ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। और किसी को नहीं, हर जो है कि आपको प्लेयर देखने में अच्छा लगे कि ये परफॉर्मेंस कर सकता है उसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। यानी कि फ्लॉप वाले जो है कि बैटर है या ऑलराउंडर है उनको नहीं बनाना, जो अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस करता है हर मैचों में उनको बनाना, तब जाकर के आप फर्स्ट रैंक आ सकते हैं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।